नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना पुरानी है लेकिन सिलसिलेवार है और उस घटना का के संबंध में जो कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो साल भर पहले आए हैं। बात मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में 18 मई 2017 को शाम को 8 बजे गुना के सिंचाई विभाग में पदस्थ ऑफिस अधीक्षक अंतर सिंह मीना का इकलौता 17 साल का बेटा हेमंत मीना पिता से 40,000 रुपए लेकर अपनी सेकेंड हैंड बाइक अपने लिए सेकेंड हैंड बाइक लेने के लिए निकला था, लेकिन पूरी रात वो नहीं आया। सवेरे परेशान अंतर सिंह मीना ने अपने नजदीक के थाने पर गुमशुदगी लिखवा दी। पुलिस ने पूछा क्या हो सकता है, उन्होंने कहा कि हमारे बेटे का अपहरण हुआ लगता है मुझे। अंतर सिंह मीना ने यह भी बताया कि इस बीच में हमारे बेटे का आना जाना हनी दुबे के यहाँ था और उसकी माँ पूनम दुबे उसे बहुत चाहती थी या उसको उसका बड़ा ख्याल रखती थी। हमें लगता है कि ये उसके यहाँ गया होगा। चूंकि मुझे उनका पता नहीं पता है ये कहाँ रहते हैं, इसलिए इन दोनों से पूछताछ की जाए कि हो सकता है उनके यहां गया हो या उनके यहां पहुंचने के पहले उसके साथ कोई घटना हुई हो। लेकिन पुलिस ने इसको बहुत हल्के में लिया और ये कहा कि बच्चा आपका इतना बड़ा तो है कि उसे अपने भले बुरे का ज्ञान है, वो इतना पैसा लेकर कहीं और नहीं जाएगा। मोटरसाइकिल किससे खरीदने की बात की थी, अगर आप ये बता सकें तो हम लोग विवेचना को आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल पुलिस ने बुलाया उसको, उसकी पूनम दुबे उर्फ पक्का और उसके बेटे हनी दुबे को। लेकिन जैसे ही वो थाने पर आए, तमाम तरह के लोग और प्रभावशाली लोग उसके लिए थाने पर फोन करने लगे। आशीष सप्रे जो उनको बुलाकर ले आए थे, पूनम दुबे और उसके बेटे, नाबालिग बेटे हनी दुबे को, अंत में उन्हें उनको दोनों को बिना गहरी पूछताछ के छोड़ देना पड़ा। इसी बीच 3 दिन बाद हेमंत मीना के पिता अंतर सिंह मीना को एक रैंसम कॉल आई, जिसमें रैंसम करने वाले ने यह बताया कि उनका बेटा मेरे पास है, 50 लाख रुपए फौरन उसका इंतजाम कर लीजिए और तभी हम इस आपके बेटे को छोड़ेंगे। अंतर सिंह मीना ने इस फोन कॉल और नंबर के बारे में पुलिस को बता दिया। पुलिस ने ट्रैक किया तो उसका नंबर इंदौर से फोन उसी का था, हेमंत मीना का, उसी के फोन से, लेकिन इंदौर से ये कॉल आई थी। पुलिस की एक टीम इंदौर चली गई ये मान के कि बच्चे का अपहरण फिरौती के लिए किया गया है। इसके 2 दिन बाद हेमंत मीना की लाश गुना के ही एक जंगल में जली हुई अवस्था में मिल गई। पुलिस को शक हुआ कि इसके तीन दोस्त गायब हैं और ऐसा लगता है कि इन्हीं तीनों ने उसकी हत्या कर दी या इन्हीं तीनों ने फिरौती का प्लान बनाया, लेकिन किसी वजह से उन्हें ऐसा लगा कि वो पकड़े जाएंगे और उसने उन तीनों ने मिलके हत्या कर दी। दरअसल कुल 5 बच्चे एक उम्र के, 17 साल 16 साल 18 साल, ये बड़े गहरे दोस्त थे। पहला हेमंत मीना जिसकी लाश मिली थी, जिसके पिता
सिंचाई विभाग में कार्यालय अधीक्षक थे, ऑफिस अधीक्षक थे। दूसरा ऋतिक, ऋतिक लड़का था, ऋतिक नामदेव। तीसरा पूनम दुबे का लड़का हनी दुबे। चौथा था राकेश लोधा और पांचवा था संस्कार श्रीवास्तव। सबकी उम्र 16 से लेके 18 के बीच में थी। हनी दुबे अपने घर में था, पुलिस के बुलाने पर आया, उसकी मां पूनम भी आई, लेकिन तीन दोस्त उसके ऋतिक नामदेव, लोकेश रोधा और संस्कार श्रीवास्तव, ये तीन गायब थे। हेमंत मीना की लाश मिल चुकी थी, पुलिस इन तीनों के घर वालों को उठा लाई और तीनों से पूछताछ करने लगी। सभी ने बताया कि ये पांचों बड़े अच्छे दोस्त हैं, एक साथ ही खेलने जाते हैं, एक साथ ही शाम को कहीं घूमने जाते हैं, चाय एक साथ पीते हैं और ज्यादातर समय ये हनी दुबे के घर पे बिताते हैं। लेकिन न तो संस्कार श्रीवास्तव की, न राकेश लोधा की और न ऋतिक नामदेव की, तीनों की लोकेशन के बारे में पुलिस को कतई पता नहीं लग पा रहा था। इसी बीच में पुलिस उलझी हुई थी और ये मान के चल रही थी कि इन्हीं तीनों का ये कारनामा होगा। इसी बीच में दो दिन बाद दोनों नाबालिग थे, ऋतिक नामदेव भी और दूसरा राकेश लोधा, इन दोनों के अधजले शव करीब आधे किलोमीटर अंतर पे पटेल नगर रेलवे पुलिया के नीचे मिल गए। पुलिस जिन पे शक कर रही थी उनकी ही लाशें मिल गईं। पुलिस के लिए एकदम शॉकिंग था, क्योंकि पुलिस अब तक इसी थ्योरी पे चल रही थी कि लालच में इन्हीं चारों दोस्तों ने मिलकर हेमंत की किडनैपिंग की, हेमंत के लिए रैंसम कॉल की और फिर बाद में कोई बीच में गड़बड़ हो गई होगी तो हेमंत की हत्या कर दी गई। शव में ऋतिक के जेब में जो पर्स मिला उसमें एक टिकट मिला, पाटनीपुरा इंदौर का बस का टिकट मिला और जो रैंसम कॉल हेमंत मीना के मोबाइल फोन से किडनैपर ने की थी वो लोकेशन भी पाटनीपुरा इंदौर की थी। ये तय हो गया कि ये जो मृतक लड़का है ऋतिक नामदेव यही बस से वहां गया था और इसी ने रैंसम कॉल की थी। पुलिस को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी। पुलिस ने अब पूरा दम लगाकर संस्कार श्रीवास्तव, हनी दुबे और पूनम दुबे को थाने पर लाकर उनसे पूछताछ शुरू की। पूछताछ आप समझ सकते हैं, तीन तीन हत्याएं, नाबालिगों की, सगे दोस्तों की, अच्छे दोस्तों की, जिनमें से हेमंत के लिए रैंसम कॉल की गई और 40,000 रुपए लेकर वो घर से निकला था, माँ बाप का इकलौता लड़का था, बाप बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में इरिगेशन डिपार्टमेंट का ऑफिस सुपरिंटेंडेंट था। जब कड़ाई से पूछताछ शुरू की गई और आशीष सप्रे ने जो टीमें लगाई थी सबको इकट्ठा करके जब बात शुरू की तो बात परत दर परत खुलती चली गई। मैंने बताया 18 मई को जब वो 40,000 रुपए लेकर सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदने के लिए निकला तो वो सीधे पूनम के घर पे पहुंचा। पूनम के घर पर हनी ने ये नोटिस किया कि इसके चूंकि 100-100 के नोट थे तो इसलिए थोड़ा गड्डी की मोटाई थी कि इसके जेब में ऐसा लग रहा है ज्यादा पैसा रखा हुआ है। हनी ने जबरदस्ती करके उसके जेब में हाथ डालने की कोशिश की। मां
पूनम उर्फ पक्का, उसका पूर्णिमा अग्रवाल भी नाम है, पूर्णिमा अग्रवाल उर्फ पूनम दुबे उर्फ पक्का, उसने मना भी किया कि अरे रहन दो जाने दो, क्योंकि वो जानती थी कि ये पैसा मेरे लिए लेकर आया है। लेकिन हनी दुबे ने, यानी पूनम दुबे के बेटे, नाबालिग बेटे ने वो 40,000 रुपए निकाल लिए जेब से, और इसी प्रोसेस में उसने हेमंत को मारा। निकाले गए पैसे उसकी मां पूनम अग्रवाल ने अपने बेटे हनी से छीन लिए, और जब वो उसको मार रहा था, क्योंकि वो विरोध कर रहा था पैसा निकालने का, तो पूनम ने अपने बेटे हनी को रोकने की कोशिश भी की और उसे थप्पड़ों से मारा भी। हनी ने कहा आप इसको घर नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये जाके शिकायत करेगा पिता से अपने, क्योंकि हनी के दिमाग में ये नहीं था कि मां को सारी बात पता है, कि पिता से शिकायत करेगा पुलिस आएगी हम पकड़े जाएंगे, लिहाजा उसके हाथ पैर बांधकर घर में ही डाल दिया। हनी ने अपने बाकी तीनों दोस्तों को बुला लिया, ऋतिक, नामदेव, संस्कार श्रीवास्तव और लोकेश लोधा को। मां को ये लगा, अच्छा मां जो है वो सावधान इंडिया का कोई भी एपिसोड मिस नहीं करती थी, एडिक्टिव थी वो सावधान इंडिया और सीआईडी की। सब लोग इकट्ठा हुए और सब ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये मेरी मां को देने के लिए पैसा आया था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है कि मां को पैसा किस बात का दे रहा था, आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं। बहरहाल मां ने बीच बचाव किया और उसका जो फोन हनी ने छीना था हेमंत मीना का, वो फोन ऋतिक नामदेव को पूनम ने दिया और ये कहा कि तुम चले जाओ इंदौर, और इंदौर से इसके बाप के नंबर पर, इसके बाप का नंबर उसी से पूछा, फीड किया हुआ था ऑलरेडी पापा के नाम से, कि वहां जाकर बाप को फोन करो कि 50,00,000 रुपए की फिरौती दे दे वरना इसको मार देंगे। पुलिस का एक तो ध्यान भटकेगा, अगर उसका बाप जाएगा भी कहीं पर और ये रैंसम कॉल आ जाएगी तो पुलिस भाग के इंदौर जाएगी, तब तक हम 50,00,000 रुपए उससे ले लेंगे, क्योंकि फोन पर उसने ये कहा था कि बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं 50,00,000 रुपए दे दूंगा, तुम टाइम बता दो जगह बता दो मैं लाकर 50,00,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन एक दिन का समय दो, मुझे इतना कैश इकट्ठा करने में 4-6 घंटे लग सकते हैं, इतना कैश अभी इस समय मेरे पास रेडी नहीं है। उसके बाद वहां से ऋतिक 50 की बात करके लौट आया, लेकिन चूंकि उसके बाप से बात हुई थी और वो कॉन्फिडेंट हो गया कि अभी ये लोग 50,00,000 रुपए कहीं न कहीं वो देने को तैयार हो जाएगा और इसकी मां कहीं न कहीं उससे ले लेगी, वो भाग के इंदौर से फिर गुना आया, और गुना में उसने हनी से कहा कि 50,00,000 रुपए हर हाल में कल परसों में आ जाएंगे। ऋतिक ने कहा कि भाई हमें उसका जो मेरा हिस्सा बनता है वो हमें अभी दे दो, क्योंकि उसको और तब उसको ये पता लगा कि हेमंत को मार दिया है इन लोगों ने। जैसे ही ऋतिक को ये पता लगा कि हेमंत को मार दिया है, वो अपना पैसा देने की जिद करने लगा और ये कहने लगा कि पैसा अगर आज नहीं दिया तो मैं पुलिस को सारी बात बता दूंगा। इतने में हनी, संस्कार श्रीवास्तव और नामदेव राकेश लोधा, ये तीनों ऋतिक को बिठाकर नेगमा के जंगल में ले गए, ये कह के कि अच्छा चलो पैसा जहां रखा है मैं तुम्हें पैसा तुम्हारे हिस्से का 10,00,000 रुपए दे देता हूं। वहां ले गए और वहां इन सब ने मिलकर उसकी भी हत्या कर दी। हत्या करके उसका शरीर पेट्रोल से जला दिया, एक्टिवा पर, दो एक्टिवा से ये लोग गए थे।
ऋतिक की हत्या में जो दोनों लोग शामिल थे, ऋतिक की हत्या में शामिल राकेश लोधा और संस्कार श्रीवास्तव और हनी दुबे, ये तीन लोग शामिल थे। ये तीनों वापस वहां से लौटने लगे। संस्कार ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अब घर जाऊंगा। जिद किया, बीच में उतर कर चला गया। इस बीच में राकेश ने भी ये कहा कि भाई हमको भी अब बहुत डर लगने लगा है, दो दो लड़के, दो दो अपने दोस्त तुमने मार दिए, ऋतिक का क्या कसूर था, उसी ने रैंसम कॉल की थी। इतना सुनते ही ऋतिक को वहीं पर जहां उसे मारा था, ऋतिक को जहां मारा था वहां राकेश लोधा को वहीं उतार कर, गला दबाकर, पत्थरों से सिर कुचलकर और एसिड से, उससे आग से केरोसिन डालकर, पेट्रोल डालकर आग से जला दिया। यानी थोड़ी दूर पर ये दो शव दो दोस्तों के, ऋतिक नामदेव और राकेश लोधा के, और एक हत्या पहले हेमंत मीना की, तीन हत्याएं 4-5 दिनों के अंतर में हो गई। ये बात जब पुलिस को उसकी मां और हनी दुबे ने बताया तो हनी दुबे, उसकी मां और संस्कार, तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके चार्जशीट लगाकर भेज दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चूंकि तीन हत्याएं थी, बहुत हल्ला हुआ था 2017 में गुना केस ट्रिपल मर्डर का, जिसमें तीन तीन दोस्त 4-5 दिनों के अंतर में मारे गए थे और सबकी लाश बरामद हुई थी। ट्रायल हुआ और ट्रायल में सबसे पहले 30 अगस्त 2022 को हनी दुबे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट गुना ने। चूंकि हनी दुबे नाबालिग था, उम्र इसकी 18 से कम थी, तो अलग ट्रायल हुआ। अलग ट्रायल में ये हालांकि उस समय हनी दुबे को नाबालिग होने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा हम इसे नाबालिग नहीं मानते हैं और वयस्क की तरह इस पर मुकदमा चलाए जाने का आदेश देते हैं। तो अल्प वयस्क होने के बावजूद वयस्कों की तरह, वयस्क अपराधी की तरह उस पर मुकदमा जब चला तो 30 अगस्त 2022 को हनी दुबे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और फिर उसकी मां पूनम दुबे उर्फ पूर्णिमा अग्रवाल उर्फ पक्का, इस पर अलग से ट्रायल होता रहा। 30 नवंबर 2022 को पुलिस ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की संज्ञा देते हुए पूनम दुबे को भी आजीवन कारावास की सजा सुना दी। आज की घटना देखिए, पूरी घटना में जो घटना का केंद्र बिंदु था वो था हनी की मां उर्फ पूनम दुबे, पूर्णिमा अग्रवाल उर्फ पूनम दुबे उर्फ पक्का, और उसी ने नोटिस किया जब ये पांचों उसका अपना लड़का और उसके चारों दोस्त हर दिन उसके यहां आते थे, चाय नाश्ता करते थे, वहीं खेलते थे, वहीं से अपने घर जाते थे, तो ये सबसे बातचीत करती थी, चाय पिलाते समय सबसे बात करती थी। और कुछ ही दिन में ये नोटिस कर लिया कि हेमंत बड़े बाप का बेटा है और इसके पास बहुत पैसे हैं। जिस हिसाब से वो दोस्तों पर पैसा खर्च करता था, जिस हिसाब से वो कपड़े और बाकी चीजों का शौक रखता था, तो उसने ये नोटिस कर लिया कि अकेला यही बड़े बाप का बेटा है और इसके बाप के पास बहुत पैसा है। लोगों से पूछ के भी उसने ये अंदाज लगा लिया कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के कार्यालय अधीक्षक के पास को कितनी आमदनी होती है या कितना पैसा उसके पास हो गया है। तो उसने पहला काम किया कि उस बच्चे से, हेमंत मीना से, जो उसकी उसके अपने बेटे
हनी दुबे से थोड़ा ही कम रहा होगा या थोड़ा ज्यादा रहा होगा, उससे नजदीकी बनाने लगी। जब सारे दोस्त इकट्ठा होते थे तो वो उसे खींच कर अपने पास बिठाती थी और कभी कभी उसे ज्यादा प्यार करने का नाटक करती थी। दरअसल वो इसलिए करती थी कि उसके इस स्पर्श खींचने, नजदीक बिठाने और नजदीक करने में क्या रिएक्शन उसका हेमंत मीना का होता है। धीरे धीरे उसने नोटिस कर लिया कि जब वो नजदीक आता है या उसको प्यार करने का नाटक करती है, कभी कभी किस भी करती थी सबके सामने, तो वो थोड़ा सा असहज हो जाता था, थोड़ा सा उसमें चेंजेस आने लगते थे। जब वो मुतमईन हो गई कि यस अब हम इसको अपने जाल में फंसा सकते हैं, तब उसे वो अकेले बुलाने लगी और उसके साथ जो इधर उधर की हरकत हो सकती है करने लगी। और एक दिन अपने ही मोबाइल को उसी कमरे में रिकॉर्डिंग मोड पे रख के उसने एक वीडियो क्लिप तैयार कर ली। 3-4 दिन बाद जब उसे फिर अकेले बुलाया तो उसने ये बताया कि हम तुम जब यहां थे तो किसी आदमी ने, किसी लड़के ने, किसी पड़ोसी ने या किसी जानने वाले ने ये वीडियो क्लिप तैयार करके हमें भेजी है और वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। ये वीडियो डिलीट कराने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, नहीं तो अगर ये वायरल हो गई तो फिर तुम्हारे घर वाले तुमको नहीं छोड़ेंगे और हमारे घर वाले हमको नहीं छोड़ेंगे। मेरा बेटा बहुत ज्यादा नाराज होगा, हनी दुबे के लिए कह रही थी। और इस बहाने उसने हेमंत से पैसे और गहने मंगाने शुरू किए। हेमंत मां के छोटे मोटे गहने राकेश सोनी नाम के एक ज्वेलर के यहां गिरवी रख के कभी 20,000, कभी 25,000, कभी 30,000 लाकर उसे देने लगा। उसे भी लगा कि जब ये आसानी से लाकर पैसा दे रहा है तो इससे जितना वसूल सको वो वसूल लो। फिर एक दिन उसने ये कहा कि हमें 50,000 की तुरंत जरूरत है, हमें फलां को देना है या फलां का उधार है, कुछ इस तरह की बात उससे की। उसने ना नुकर की कि देखो अब जो है घर से कोई गहना निकाल पाना बहुत मुश्किल है। माताजी बहुत चिल्ला रही थी और नौकरों पर शक कर रही थी। उन्होंने सारे गहने और पैसे सब ताले में बंद कर दिए हैं, चाबी मुझे मिल नहीं सकती इसलिए मैं निकाल नहीं सकता। उसने कहा फिर अगर नहीं दिया पैसा तो ये कल परसों तक वीडियो वायरल हो जाएगी, तुम दिमाग लगा के कैसे भी 50,000 रुपए लाकर दे दो। तब इसने बहाने से अपने फादर से कहा कि हमारे पास जो मोटरसाइकिल है वो पुराने मॉडल की हो गई, हमें नए मॉडल की सेकेंड हैंड फला मोटरसाइकिल लेनी है, इसके लिए हमें 50,000 की जरूरत है। उसके फादर ने कहा कि नहीं अभी तो हमारे ऑफिस में 40,000 में अच्छी कंडीशन में साल भर चली हुई यही गाड़ी फला आदमी ले आया है, इसके लिए 50,000 देना ठीक नहीं है, ये 40,000 रुपए ले जाओ और इसे वहां फला फला मार्केट में जाकर देखना, तुम्हें 40,000 में ये पैसा मिल जाएगा। ये 40,000 रुपए लेकर 100-100 की नोटों की गड्डियां थी जेब में रख के वो जैसे ही ये पैसा देने के लिए पूनम आंटी के घर पहुंचा, उनका बेटा हनी भी वहां मौजूद था। हनी ने फूली हुई जेबों को देख के ये अंदाज लगा लिया कि आज ये कुछ पैसा जेब में रखा है। उसने कहा कि जेब में क्या है, उसने कहा कुछ नहीं कागज हैं। फिर उसने जबरदस्ती हाथ लगाया, विरोध किया हेमंत ने, लेकिन छीना झपटी में उसने दोनों जेब से नोटों के बंडल निकाल लिए। मां ये सब देख रही थी, मां ने उसे रोका और फिर वो 40,000 रुपए उसने ले लिए अपने बेटे हनी से। नाराज हो गया हेमंत, उसने हनी के साथ धक्का मुक्की की, हनी ने उसके साथ मारपीट कर ली और ये कहा कि ये 40,000 रुपए तुम यहां लेकर क्यों आए थे। उसे पहले से भी थोड़ा सा शक था कि हनी मेरी हेमंत मेरी गैर मौजूदगी में मेरी मां से मिलने क्यों आता है। उसे थोड़ा शक हो रहा था कि मेरी मां से इसके कुछ न कुछ संबंध जरूर हो गए हैं, इसलिए वो
चिढ़ता भी था हेमंत से और इसीलिए पैसा छीनने के बाद उसके साथ उसने मारपीट की थी। मां ने सोचा ये बात अभी ज्यादा मारेगा पीटेगा तो ये खुल जाएगी, तो उसने कहा इसे हाथ पैर बांध के कमरे में डाल दो। हनी ने पहला काम किया अपने बाकी दोस्तों को, उसके बाकी दोस्त ऋतिक नामदेव, राकेश लोधा और संस्कार श्रीवास्तव, इन तीनों को बुला लिया। मां ने ऋतिक से कहा कि ये उसका फोन है, इसको लेके इंदौर चले जाओ और वहां से 50 लाख की फिरौती की डिमांड इसके पापा से करो, देखो वो क्या कहता है। उसने कहा और उन्होंने कहा कि इस फोन से पापा के सिवा किसी और को कतई फोन मत करना, पुलिस पकड़ लेगी। मोबाइल ऑन करना, पापा से बात करना, मोबाइल स्विच ऑफ कर देना, फिर अपना मोबाइल स्विच ऑन करके हमें ये बताना कि क्या बात हुई है। उसने कहा ठीक है। सभी तीनों को उसने कहा कि देखो ये हमने किडनैप कर लिया है और इसको हम 50 लाख रुपए इसमें मिल जाएंगे और ये 50 लाख हम बाकी चारों में बराबर बराबर बांट देंगे, इसलिए इसकी खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए वरना सब लोग जेल जाएंगे, तुम सभी दोस्त भी जाओगे और हम भी जाएंगे, सब बालिग नाबालिग की बीच वाले बच्चे, ये सब डर गए। ऋतिक वहां से फौरन चला गया, उसने इसके पिता को कॉल किया हेमंत के, 50 लाख की बात की फिरौती की, पिता ने कहा कि हम बिल्कुल दे देंगे, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, हम शाम तक हर हाल में दे देंगे। वो फोन स्विच ऑफ करके, हेमंत मीना का फोन स्विच ऑफ करके अपने फोन से उसने पूनम आंटी को ये बताया कि उन्होंने कहा है कि हम कल शाम तक 50 लाख रुपए दे देंगे। ये बात वहां बाकी सबको भी पता लग गई। इसी बीच में चूंकि वो नाराज था ही और ये हाथ पैर बांधने के बाद बेहोश हो गया हेमंत मीना कमरे में, पूनम को और हनी दुबे को लगा कि ये शायद मर जाएगा और यहां अगर मरेगा तो बड़ी दिक्कत होगी। फौरन आनंद फानन में हनी दुबे और उसके तीनों दोस्तों ने दो अलग अलग, एक एक्टिवा और एक मोटरसाइकिल में इसको बिठा कर ले गए और जंगल में इसके हाथ पैर चाकू से काट दिए। उसके बाद उस पर पेट्रोल डालकर जला दिया और वापस लौटते समय ऋतिक और लोकेश में से ऋतिक ने यह कहा कि मुझे 50 लाख, तुमको 50 लाख मिल गए हैं, उसने देने को कहा था और जरूर उसने, तुम लोगों ने फोन से बात की थी, मेरा फोन स्विच ऑफ करा दिया था और तुम पैसा ले चुके हो, हमें अभी पैसा दो वरना मैं पुलिस को बता दूंगा। फिर एक्टिवा से वो उसको निगमा जंगल मिल के पास ले गए और ऋतिक को मारकर वहीं उसकी लाश जला दी। वापस आते समय लोकेश को भी वहीं पटेल नगर पुलिया के नीचे गला दबाकर मार दिया और उसके जेब से ही ये इंदौर के पाटनीपुर पुर का बस का टिकट मिल गया, यानी सब चीजें पता लग गई। पुलिस ने हनी दुबे को, संस्कार श्रीवास्तव को और पूनम को गिरफ्तार कर लिया। ट्रायल हुआ 30 अगस्त 22 को हनी का, हनी को आजीवन कारावास और 30 नवंबर 22 को पूनम को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। संस्कार श्रीवास्तव पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाए लेकिन घर वाले फिर से इसको हनी के खिलाफ और सजा, संस्कार के खिलाफ और सजा देने के लिए कोर्ट में गए हैं। देखिए हम लोगों की तरफ एक कहावत है, खासकर अवध के क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में, कि लौंडों की दोस्ती और ढेले की सनसनाहट बड़े खतरनाक माने जाते हैं। मतलब कम उम्र के बच्चों की, बच्चे बच्चियों की, बच्चों की खासकर दोस्ती ज्यादा गैप के उम्र वाले लोगों को हमेशा खतरनाक होती है। ये इस तरह दोस्ती या इस तरह से यारी या इस तरह से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन पूनम ने ऐसा किया।
अपने बेटे के उम्र के बच्चों से दोस्ती करनी शुरू की। हालांकि उसका पर्पज ही दूसरा था, वो प्लानिंग के साथ ऐसा कर रही थी और फिर बाद में उसने ब्लैकमेल किया और फिर इस जो कहावत के बारे में ढेले की बात हुई, फिर वो ढेलों का इंतजाम हुआ, तीन तीन दोस्तों का मर्डर उसके बेटे ने उसकी शह पर, तीन तीन का वो किया, तीन तीन हत्याएं हुई और उसी में इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। इस कहावत के लिए यानी लौंडों की दोस्ती, लौंडों का मतलब बच्चों से, बच्चों की दोस्ती या लौंडों की दोस्ती और ढेले की सनसनाहट का डिटेल, यानी ये कहावत आई कहां से, इसके बारे में कोरा पर एक पैराग्राफ मौजूद है कि आखिरकार ये कहावत का जन्म कहां से हुआ। तो लिखते हैं कोरा पर जो लेखक लिखते हैं कि एक गुरुजी थे जो गांव के एक रईस और खानदानी परिवार के बच्चों का ट्यूशन करते थे। अब बच्चे रईस परिवार के हों और गांव के बच्चे से उनका मेलजोल न के बराबर होता था, लेकिन उनका ट्यूशन कर रहे मास्टर साहब पहले तो गांव के बच्चों से आते जाते हिलमिल गए, मगर उनकी शरारतों से ऊब गए। जो चूंकि जो पैसा उनको दे पाता होगा ट्यूशन का, उन्हीं के यहां ये ट्यूशन कराने जाते होंगे, तो नेचुरली वो बाकी सब बच्चों से थोड़ा ऊपर के बच्चे थे और शरारत भी उनकी खून में रहा होगा। वो जानते थे कि मेरे बाप पैसे वाले हैं, पैसा देते हैं, इसलिए मास्टर साहब हमको पढ़ाते हैं। तो आते जाते उन बच्चों से वो सब जिन जिन के यहां ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, बड़ी दोस्ती गांठ ली उन्होंने और बिल्कुल हिल मिल गए। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें थोड़ी अभिजात्यता उनके अंदर भी आ गई, बड़े बच्चों के यहां ट्यूशन पढ़ाने जाते समय, तो उन्होंने बच्चों से दूरी बनानी शुरू की। उन्हें लगा कि मैं गुरु हूं, मैं टीचर हूं और इतने छोटे बच्चों से इस तरह की शरारत की बातें उनकी सुनना भी मेरे लिए ठीक नहीं है। जब उन्होंने दूरी बना ली तो गंवई बच्चों ने यह भांप लिया कि ये अब हमसे दूर हो रहे हैं। उन बच्चों का आक्रोश इतना बढ़ा कि एक दिन ट्यूशन से वापस लौटते वक्त बच्चों ने हंसी हंसी में पहले तो उनका नजर का चश्मा उतार लिया और फिर उन्हें सड़क के किनारे के गड्ढे में ढकेल दिया और ऊपर से ढेलों की बौछार करने लगे। जब वो गड्ढे में गिर गए तो ऊपर से ये सभी बच्चे मिलकर उन्हें उनकी उनके ऊपर ढेले बरसाने लगे। तो सड़क से गुजर रहे यात्रियों ने जब ये देखा कि मां साहब के ऊपर बच्चे ढेले बरसा रहे हैं, बीच बचाव किया, बच्चे भाग गए, मां साहब को ऊपर निकाला, डॉक्टर के पास ले गए, मरहम पट्टी कराई और तभी से ये कहा जाने लगा उन अभिजात बच्चों को पढ़ाने वाले गुरुजी ने, तब से ये कहा कि लौंडों की दोस्ती और ढेलों की सनसनाहट, क्योंकि उन्होंने दोनों चीजें एक साथ उसी जगह पर महसूस की थी कि बच्चों के को पढ़ाते पढ़ाते उनके अंदर भी आ गया कि ओहो, बड़े बच्चों को, बड़े अच्छे घर के बच्चों को हम पढ़ाते हैं और हमारा इस तरह से उनके साथ मित्रवत व्यवहार अच्छा नहीं है। दूरी बनाने लगे, बच्चे बड़े मतलब अच्छे परिवार के बच्चे थे, अच्छे परिवार से मतलब धनी परिवार के, जो उनको ट्यूशन की फीस दे सकते थे, उनको ये बात बुरी लगी कि ये कैसे हमसे दूरी बना रहे हैं। रोज रोज की जो हंसी ठिठोली थी वो बंद कर दी उन्होंने। तो फिर शरारती बच्चों ने उनका चश्मा उतारा और गड्ढे में ढकेल दिया और उसके बाद ढेलों की बरसात कर दी। तो मां साहब ने बाहर निकलकर यही कहा कि लौंडों की दोस्ती और ढेलों की सनसनाहट, ये दोनों ही मैंने महसूस कर ली। आशा है कोरा पर दिए हुए इस मुहावरे के पीछे के वाकये से आप सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।